ईवीएम मेरे बाप की है। रुकिए जरा, ये मैं नहीं कह रही, गुजरात के दाहौर में बीजेपी नेता के बेटे ने ये साबित कर दिया है पोलिंग बूथ कैप्चर करके और इंस्टाग्राम पर कैप्चर को लाइव दिखाकर। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी, चुनाव आयोग को भी अपशब्द बोला गया। वायरल वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि बीजेपी नेता का बेटा कैसे ईवीएम और अन्य उपकरणों पर मालिकाना हक का दावा करते हुए कहता है कि उसके पिता के हैं। अब आप देख ही सकते हैं कि बीजेपी की दादागिरी किस हद तक चल रही है, कैसे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कुछ समय पहले ही गुजरात के सूरत से खबर आई थी, बीजेपी ने अपने विरोधी प्रत्याशी को खरीद कर सूरत लोकसभा सीट निर्विरोध जीत ली और यही वाक्या इंदौर में भी देखने को मिला। एक बात तो साबित हो चुकी है कि बीजेपी में इंडिया अलायंस का डर साफ साफ देखा जा रहा है। इन सभी वाक्यों से साफ है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो भविष्यवाणी की थी, ये आखिरी चुनाव है। भाजपा उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। अब फैसला आपको करना है कि आपको संविधान चाहिए या नफरत की विचारधारा, आपको आरक्षण का अधिकार चाहिए या भाजपा।